पूंजीवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कहर ढा रही है, उनसे हम ही आपको टकराना होगा और हम ही आप टकरा सकते हैं। आप जानते हो कि हम तो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमें माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिला है, शानदार नेतृत्व मिला है, जिस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। ऐसे ऊर्जावान, ऐसे ज्ञानवान नेता माननीय अखिलेश यादव ने जन क्रांति महारैली में आने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। और आए हुए सभी भाई बहनों से एक ही निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि आज संकल्प लेकर जाना, माननीय अखिलेश यादव जी की बात को सुनकर जाना, डॉक्टर संजय चौहान साहब की बात को सुनकर जाना और उस बात को जगह जगह फैलाने का काम करना और 2022 की लड़ाई को जीतने का यहां से संदेश लेकर गांव गांव घूमना होगा। और गांव गांव घूम करके अगर आपने संदेश दिया तो 2022 में समाजवादी पार्टी जनवादी पार्टी की संयुक्त सरकार होगी और उस सरकार में किसानों का सम्मान होगा, मेहनत कश लोगों का सम्मान होगा, शोषित लोगों का सम्मान होगा। इसलिए अपने सम्मान की रक्षा के लिए संगठित होकर आज इस संदेश को लेकर जाना और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने का काम करना। इन शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे सम्मान दिया, मेरी बात को सुना, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत। समाजवादी पार्टी के आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी अपनी बात रख रहे थे। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि महात्माओं के हाथ में त्रिशूल से डर लगता है, भेड़िए की दोस्ती के भूल से डर लगता है, गुजरे हैं हाथ से चमन में कुछ इस तरह, मुझे कांटों से नहीं मगर कमल के फूल से डर लगता है, मगर कमल के फूल से डर लगता है। साथियों, अगले वक्ता के क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता आदरणीय चौहान जी को आमंत्रित करूंगा, या पावन डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल साहब जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राम सुरेश चौहान जी और तमाम जनवादी समाजवादी पार्टी के संयुक्त क्रांतिकारी साथीगण आए हुए प्रांगण में सीता सावित्री कुंती मंदोदरी अपाला गार्गी के सरीखे माँ बहन बेटियों राम कृष्ण परमहंस सुभाष चंद्र बोस जग शेखर आजाद नौजवान साथियों पिता तुल्य बुजुर्गों मीडिया के लोगों और प्रेस वाले सभी साथियों को मैं इकलौती सलामी के साथ अपनी पार्टी की तरफ से जय जनवाद करता हूँ। साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज 1191 और बांटने की घटना के बाद इस देश से एक ऐसी जो हमारी वंशावली रहती थी उसका इस देश से जो है सत्ता सियासत से नाता टूट गया था, लेकिन 1192 के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बाद
आज 1000 वर्ष के बाद गाजीपुर की धरती पर एक माँ ने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया इस चौहान वंश में, जिनका नाम डॉक्टर संजय सिंह चौहान है। इसलिए गाजीपुर की सरजमी को मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से जो हमारा इतिहास समाप्त हो गया था, राजनीतिक सामाजिक सारी चिंतन व्यवस्था मेरी समाप्त हो गई थी, इस व्यवस्था को एक दीप्तमान दीपक के रूप में, सूरज के रूप में हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने जनवादी पार्टी के तहत इस समाज को, इस देश में, प्रदेश में यह सिग्निफिकेशन कर दिया, हस्तांतरित कर दिया और बतला दिया कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में हमारे लोग भी रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को। साथियों, ये रैली क्यों कराई गई है? ये रैली इसलिए कराई गई है, आज उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी का कारनामा आज आप देख रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार, बलात्कार, किसानों के साथ निर्दयता का जो है पाठ पढ़ा करके इन फल लाठियां चार्ज की जाती हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 5 साल बीतने वाला है, इस 5 साल में उन्होंने एक काम किया है, नाम बदलो, जगह का नाम बदलो, रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, जिले का नाम बदलो, लेकिन काम इनका नहीं बदला। अभी आप देख रहे हैं कि मुगलसराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल कर दिया गया, फैजाबाद को बदल करके अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। तो हमारे जनवादी क्रांतिकारी साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 में पीएमओ ऑफिस बनारस में आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने एक मांग की है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से, श्रीमान जी जैसे आप नाम बदल रहे हैं, आप डिडोरा पीटते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जनवादी पार्टी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सरजमी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भव्य स्मारक बनवा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि हमारे लोगों का, आप लोगों ने परचम फैलाया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं किसान बिल पर किस तरह से आदरणीय आपके प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेने का मंच से बात किया है, जैसे मन की बात करते हैं वैसे मंच से। कह रहे थे कि मेरी तपस्या में कोई कमी हो गई, तपस्या तो किसान कर रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी तपस्या में नहीं कमी हुई, आपकी जो है हिटलर साई ने बहुत बखूबी बढ़ोतरी की, आपने किसानों के लिए अंग्रेजों से बढ़ करके आपने तमाम जो है उन पर लाठियां चलाई, 700 किसान शहीद हो गए, आपकी तपस्या थी उस समय, आप तपस्या से क्यों नहीं उठ करके लोगों के लिए लड़ाई लड़े? या तो इनकी जो है छलावा राजनीति है। इसलिए साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज इस रमाबाई अंबेडकर पार्क में, आप अंबेडकर पार्क में जो है ये अंबेडकर पार्क और रमाबाई माता जी के जो नाम से बना है, तो निश्चित रूप से अंबेडकर के नाम से अंबेडकर रमाबाई पार्क में भारतीय संविधान की कसम खाते हुए जनवादी पार्टी के हमारे जनमानस आज ये दृढ़ संकल्प लेकर जाए कि 2022 में जैसे आदरणीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने आप पर इतना विश्वास करके चंदौली पर जो है लोकसभा की सीट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लड़ाए, आप जीत भी गए थे लेकिन भाजपा के लोग हराने का काम किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन भाजपा से बदला लेने के लिए 2022 में आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग कसम खा के जाएंगे। निश्चित रूप से यही आप लोगों से मेरी आकांक्षा और निवेदन है। तो बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ आए हुए जनवादी और समाजवादी के लोगों, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप अगर चाहेंगे तो इतिहास हमारा स्वर्णिम 2022 में होगा। इसलिए कहना चाहूंगा
कि मौत का बेरहम, अरे मौत का बेरहम, आप अपने इतिहास को बदल सकते हो। किया है जो भाजपाइयों ने जुल्म, उसको आप पुण्य से बदल सकते हो। मैं तो कहता हूं कि जनवादी और समाजवादी के साथियों, कर लो अपनी बाहों पर भरोसा। ये तो रमाबाई अंबेडकर पार्क है, पूरा हिंदुस्तान बदल सकते हो, पूरा हिंदुस्तान बदल सकते हो। तो बहुत जो कुछ ज्यादा कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में महाराजगंज, महाराजपुर, रसड़ा, देवेंद्र चौहान की जो हत्या हुई है, इस भारतीय जनता पार्टी में आप देखें किस तरह से अभी रूमा देवी चौहान का बलात्कार हुआ, अभी बस्ती में जो है कुमारी प्रियंका चौहान का बलात्कार हुआ। अरे धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का, एक ऐसा पुरोधा जिन्होंने इनके लिए, इनके हक हुकूम मान सम्मान के लिए सड़क पर उतर करके इस देश में और प्रदेश में आपके मान सम्मान की बात करते आए। तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी के गूंगी बारी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उन जो पीड़ित परिवार, हमारा रसड़ा आपका जो है बलिया रसड़ा का जो पीड़ित परिवार है, उन्हें 5 लाख रुपया और नौकरी देने का काम करें, नहीं तो हम इनके खिलाफ इस तरह से बिगुल जैसे बजा रहे बजाते रहेंगे। और एक न एक दिन उत्तर प्रदेश की इस गद्दी से 2022 में इस बाबा को उठा करके गोरखपुर की सरजमी पर पहुंचाएंगे और ये बाबा घंटा ही बजाते रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। साथियों, अगर आपने सोच लिया कि चलने को है हमें लखनऊ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साहसी को बल दिया है, साहसी को बल दिया है। अरे मृत कभी मारा नहीं है, राही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। इसलिए आप लोगों ने चल करके आज रमाबाई अंबेडकर पार्क में ये दर्शा दिया, आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी के साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का जनवादी ये गठबंधन जो हुआ है, या प्रेम का गठबंधन जो हुआ है 2022 में, या बखूबी जो है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसलिए अपने शब्दों को मैं अब यही पर विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीरबल चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। आपने इस प्रदेश में फैली हुई अराजकता और उसके दूर करने के क्रम में जो बात कही है, मैं अपने जनवादी साथियों से कहना चाहूंगा, पांव दलदल में ही सही, पांव को जमाए रखना, हाथ खाली ही सही, हाथ को उठाए रखना। कौन कहता है कि चलनी में पानी जा नहीं सकता, बर्फ होने तक अपने हौसले को बनाए रखना, बर्फ होने तक अपने हौसले को बनाए रखना। मैं अगले क्रम में वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मन्नी सिंह राठौर जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आवे, चंद शब्दों में अपनी बात को रखें। आदरणीय मन्नी सिंह राठौर जी, आज के इस लखनऊ की धरती पर भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ, जनवादी पार्टी जनक्रांति में मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के मसीहा, एवं आज के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राम सुरेश जी, सरिता रानी बिंद जी महिला मोर्चा, और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से कोने कोने से आए हुए समस्त नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पिता, तुल बुजुर्गों, आप सभी का मैं हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप लोग इस भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम में आए क्यों हैं? आए आप लोग इसलिए हैं क्योंकि
यह जनवादी पार्टी का जो यह कारवां आया हुआ है, यह चाहता है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकना है और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए कि आज भाजपा के शासन काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और साथियों महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा तक है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह जो कारवां आज आप लोगों ने हौसले के साथ आए हैं, निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत कुछ न कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाजवाद। अभी आपके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मन्नी सिंह राठौर जी अपनी बात रख रहे थे। साथियों, उनके कहने का मकसद था कि हमने तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन्होंने अक्सर पलट दिया है मसालों को। हम अपने वक्त के सूरज हैं, पहचानो हमें, हम चमकेंगे तो सितारों में रोशनी होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आवें और कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। आदरणीय राजेश जी, जोरदार तालियां बजाएंगे। आज जनवादी जनक्रांति महारैली में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए हमारे समाज के सम्मानित साथियों और मंच पर बैठे हुए मेरे अतिथि समाज के और मेरे समाज के एक दिशा दिखाने वाले माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान का मैं मंच के माध्यम से अपने आए हुए पूरे प्रदेश की जनता से हार्दिक अभिनंदन अभियान करता हूं। साथियों, कि जो आज उत्तर प्रदेश की धरती पर जो आज एक पहचान दिलाने का काम किया है, यह माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान की देन है। साथियों, तो मैं चाहूंगा अपने समाज के लोगों से एक जोरदार तालियों से स्वागत करकर माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान का आप लोग अभिनंदन करने का काम करें। साथियों, जोरदार तालियों से मैं आप डॉक्टर संजय चौहान अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय चौहान माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय चौहान अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ साथियों, आप सभी सम्मानित साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपना स्थान उचित लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आपको जो हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश जी का आगमन हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि अपना स्थान लेकर उचित बैठने का काम करें। धन्यवाद, जय जनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मंच के दो स्थापक महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आज के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय अखिलेश जी का जो स्वागत होगा वह संयुक्त स्वागत होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संयुक्त स्वागत मंच पर होगा। स्वागत के क्रम में जिन लोगों का नाम मेरे पास पहुंचाया गया है उसमें से हमारी प्रदेश कमेटी से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राम सुरेश चौहान जी, प्रदेश सचिव राजकुमार चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मराज चौहान जी, दूसरे प्रदेश उपाध्यक्ष बीरबल चौहान जी, अखिलेश चौहान, प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा, मेरा स्वयं नाम है डॉक्टर संजय सिंह चौहान सर्जन साहब और महेश निषाद, आप सभी के द्वारा धर्मेंद्र चौहान बस्ती के द्वारा जो है ये हमारा अर्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आवे आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत करें। धन्यवाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डॉक्टर संजय चौहान अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या पड़े हो चक्कर में, गए हैं चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को बचाते हुए मैं अगले क्रम में सबसे पहले जो है अशोक प्रधान चौरी चौरा से जो राधा कृष्ण की मूर्ति चांदी से निर्मित है, आप माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेंट करेंगे और दूसरी कृष्ण जी की मूर्ति आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को भेंट करेंगे। अशोक प्रधान चौरी चौरा गोरखपुर। इसके बाद विनोद चौहान तैयार रहेंगे, राजकुमार चौहान और महंत बालक दास। विनोद चौहान जी का स्मृति चिन्ह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राजकुमार चौहान जी अपना स्मृति चिन्ह लाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे। कैसे आएंगे लोग, क्या लिए हसीब खान ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चांदी की साइकिल के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। हसीब जी चांदी की साइकिल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हसीब जी और राजकुमार चौहान और हमारे मंडल अध्यक्ष दीनानाथ चौहान जी, आप सब लोग स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे
आदरणीय संतोष चौहान 340 चौंदौली से, मुद्रिका चौहान जी, इस क्रम में डॉक्टर संजय सिंह चौहान सर्जन साहब मूर्ति भेंट करेंगे, आप लोग क्रम से देते रहेंगे। महंत बालकदास जी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति भेंट करेंगे। संतोष चौहान जी जो है वो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद मंच पर हैं ओंकार चौहान आगरा से देवेंद्र जी, जो आज के मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट भेंट करेंगे। ओंकार चौहान आगरा और देवेंद्र चौहान संयुक्त रूप से। ओंकार जी ओंकार चौहान और देवेंद्र जी समाजवादी पार्टी जिला समाजवादी लखनऊ की तरफ से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कृपया सभी लोग अब शांति का सहयोग दें। आदरणीय वीणा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ समर्पित किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी पुष्प गुच्छ देंगे। आदरणीय मनी सिंह राठौर साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को। इस बीच में आदरणीय विजय चौहान जी पुष्प गुच्छ जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे। विजय चौहान जी कोई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए समयानुसार अब इस प्रदेश में जो नकली हिंदुत्व छद्म राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ करके समाज के बीच में भ्रामक स्थिति पैदा कर करके सांप्रदायिकता और नोट के बल पर पूरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन करना चाहती है, उसके इस नापाक इरादे के कारनामे में समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत कड़ी के रूप में जो जनवादी पार्टी खड़ी है वह भाजपा के नापाक इरादे को पूर्ण नहीं होने देगी। इस क्रम में मैं अब बगैर समय लिए आदि दल तो पिछड़ों के मसीहा सामाजिक चेतना प्रवर्तन के धनी मनीषी विद्वान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का मंच पर स्वागत करते हुए आमंत्रण देना चाहता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी फिर से इस बीच में मैं चाहूंगा
कि हमारी कमेटी के द्वारा मंच पर आप जनवादी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित जन क्रांति महारैली के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी, इस रैली के मुख्य अतिथि, हम सबके गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषित पीड़ितों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मंच में बैठे हुए, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस महारैली में आए हुए सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस महारैली में आए हुए सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का मैं हार्दिक वंदन करते हुए आप सभी के माध्यम से इस प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के नेता और इस प्रदेश के ही नहीं देश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव और डॉक्टर संजय चौहान जी कर सकते हैं। इसलिए उपस्थित भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इन दोनों महान नेताओं के विचारों को लेकर गांव गांव पहुंचाना और आगामी 2022 के चुनाव में परिवर्तन करने का काम करना, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील करता हूं। पुणे आई हुई इस महान जनता का स्वागत करते हुए अपने दोनों नेताओं का, गठबंधन का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को ओंकार और गजेंद्र जी का कार्यक्रम बीच में आया है। आप दोनों लोग, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को चांदी का मुकुट समर्पित करेंगे और तलवार भेंट करके स्वागत करेंगे। जिला अध्यक्ष आगरा ओंकार चौहान और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियां बजाएंगी, जोरदार तालियां। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट प्रजा चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में मैं अब जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को सारगर्भित शब्दों में
मंच पर आमंत्रण देता हूं कि आप आने वाले उत्तर प्रदेश की लड़ाई में जो धार दे रहे हैं वह धार कितनी पैनी होगी, आप इसमें सूत्रधार किस तरह से बनेंगे, मंच पर आवे और अपनी बात को रखें। आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सुरेश चौहान जी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जनवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, भाजपा के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी, तमाम हमारे जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी, सामने बैठे माताएं बहने बच्चे बुजुर्ग, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, मुझे यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि जो समाज खेत खलिहानों गांव और गलियों में रहता था, राजनीति में सिर्फ वोटर बनकर के रहता था, राजनीति में कोई हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं लेता था, आज वह समाज लखनऊ में पहुंच करके अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को याद होगा कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी से आपके पार्टी का गठबंधन हुआ था और मेरा पूरा समाज 2012 से 2019 तक लगातार भाजपा को वोट देता रहा और जिस भाजपा ने आपके साथ राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी की बात की थी, आपको गले लगाने की बात कर की थी, आप सभी हमारे समाज के लोग गवाह हैं कि 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके नेता और आपके पार्टी को, आपके संगठन को पूरी मुस्तैदी से कमजोर करने का काम किया था और जनवादी पार्टी में एक बड़ी बगावत करके आपके संगठन को कमजोर करने का काम किया था। और वही आज हम विगत 2017 से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हैं। भाजपा के चार चरित्र और अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में हम आपको अंतर बताना चाहते हैं और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि भाजपा के साथ खड़े हुए तो आपकी पार्टी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था और आप अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए तो जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया था, उस पार्टी, उस संगठन और उस नेता को अखिलेश यादव जी ने दोबारा खड़ा करने का काम किया।
भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका वोट लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देते हो। 2019 के लोकसभा का चुनाव, 2014 के लोकसभा का चुनाव गवाह है। आपने 90% वोट भाजपा को दिया, एक भी लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को देने का काम नहीं किया। अभी 2019 के लोकसभा का चुनाव बीता, 80 लोकसभा सीट इस उत्तर प्रदेश में है, एक भी टिकट चौहान समाज को उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नहीं दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास 37 टिकट थे मात्र, उस टिकट में भी एक टिकट उन्होंने आपके पार्टी और आपको नेता को देने का काम किया था। और हमें चुनाव लड़ा करके मजबूती से आपने चुनाव लड़ाया और चुनाव हम जीत गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी करके आपके नेता को हराने का काम किया था। भाजपा नहीं चाहती है कि चौहान समाज का कोई नेता और अगुवा पैदा हो, भाजपा नहीं चाहती है कि इस समाज का कोई संगठन मजबूत हो, भाजपा चाहती है इस समाज का वोट हमें मिलता रहे और हम इस समाज को ललुआ वोटर बना करके रखें। वही अखिलेश यादव जी की नियत थी कि इस समाज का बेटा देश की संसद में पहुंचे, इस समाज की पार्टी मजबूत हो और इस समाज के मान सम्मान पर कहीं आंच आ जाए, इस समाज पर कहीं जुल्म जाती हो तो उसकी आवाज दिल्ली की संसद में भी उठे और संगठन मजबूत हो तो उसकी लड़ाई सड़कों पर भी हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भाजपा नहीं चाहती है कि आपका नेता मजबूत हो, जो भाजपा नहीं चाहती है कि आपका संगठन मजबूत हो, जो भाजपा नहीं चाहती है कि आपकी लड़ाई सदन में हो, उस भाजपा को 2022 में आप हराने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और साथियों, जिस व्यक्ति ने आपको हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया, जिस व्यक्ति की सोच है कि आप सम्मान से जी सके, उस अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप सब लोग बनाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और मैं साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहूंगा कि भैया, हमारा समाज राजनीति में कभी भी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं लेता है, कभी किसी रैली और सभा में भी बहुत कम जाने का काम करता था, लेकिन आज आपके सहयोग से, आपकी मदद से हम लोगों ने जनवादी के संगठन को धीरे धीरे मजबूत करते करते इस समाज में एक चेतना जगाने का प्रयास किया है। और जो समाज गांव में रहता था, वो समाज आज लखनऊ में आकर के अपने पार्टी और राजनीति की बात कर रहा है। इसके लिए हम अपने पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देंगे। और मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो साइकिल और जो साइकिल आपको लखनऊ की सदन में लाना चाहती है, जो साइकिल आपको हिस्सेदारी और भागीदारी देना चाहती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस साइकिल को उत्तर प्रदेश में, उस साइकिल की उत्तर प्रदेश में आप सब लोग सरकार बनाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और साथियों, मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि साथियों, आपके पार्टी और आपके नेता का मान तभी बढ़ेगा, आपका संगठन तभी बढ़ेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के सब जिलों में हमारे समाज के लोग हैं, कहीं ज्यादा हैं तो कहीं कम हैं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कम बेसी अपने समाज के लोग हर जिले से आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों, कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नेता मजबूत हो, तो 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, अपने अपने बूथ से
आप साइकिल को जिता देना, इसी में आपके समाज का मान और आपके नेता और आपके पार्टी का मान बढ़ेगा। और अखिलेश यादव जी को इनके लड़े हुए विधायक आकर के बताएं कि हम चुनाव लड़े थे और जहां जहां चौहान समाज के गांव थे उन सभी गांवों में समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, समाजवादी पार्टी वहां पर जीती है। यह आशा और विश्वास और यह भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आपको देना होगा। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और साथियों, तमाम सारी घटनाएं हुई हैं, तमाम सारे क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों की हत्याएं हुई है, हमारे समाज की बहन बेटियों का रेप और हत्या भी मऊ जनपद में हुआ था और उस विधानसभा से हमारे समाज के व्यक्ति मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। एक 17 साल की नौजवान लड़की का बलात्कार करके हत्या की जाती है और मंत्री जी 21 दिनों तक उसकी FIR तक नहीं होने देते हैं और उस बेटी के बाप को थाने में बुला करके पूरा थाने को झाड़ू से साफ करवाया जाता है, उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, उसकी बात सुनने की जगह पर उस आदमी से काम करवाया गया थाने पर। और हमारे समाज के मंत्री और या भाजपा के लोग उस व्यक्ति के साथ, उस बच्ची के साथ उसके खिलाफ FIR तक नहीं होने देते थे। लेकिन आप सब लोगों का संगठन और आपकी पार्टी रही, आपका नेता रहा, आपका संगठन रहा, तो वहां पर हमारे साथियों ने जंग लड़ा, लखनऊ में भी आकर के बवाल किया, तब जाकर के FIR होता है। जो भाजपा हमारे समाज की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है और उसका FIR तक नहीं होने देती, उस भाजपा को आप सब लोगों को 2022 में उखाड़ फेंकना है। साथियों, बलिया में हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, तमाम सारे जगहों पे इस तरह से कांड हुए हैं और सबसे ज्यादा हत्या और इस भाजपा सरकार में हमारे समाज के लोगों पर हुई, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए आप सभी जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपका स्नेह और आपके आशीर्वाद हम लोगों पर बराबर बना रहता है और आप पर बराबर ध्यान बना रहता है आपका। आपने समय दिया, इसके लिए हम आप अपनी पूरी पार्टी और अपने समाज की तरफ से आपके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, अब वो अंतिम समय आ गया है जिस घड़ी का हमको इंतजार था और अब मैं उत्तर प्रदेश के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, भारतीय राजनीति में आशा की किरण, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्रम को आपके बीच में लाना चाहते हैं और मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री अखिलेश यादव जी को मंच पर आमंत्रण देता हूं कि माननीय आवे और देश के अंदर नकली हिंदुत्व छद्म राष्ट्र के सहारे जो सरकार बनाने जा रहा उनकी बात रखें। आप आवे मंच पर। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बड़ी संख्या में पदाधिकारी, महंत बालक दास जी, राजेश चौहान जी, मन्नी सिंह राठौर जी, एडी ओमकार चौहान जी, श्रीमती सरिता रानी बिंद जी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, डॉक्टर रामनाथ चौहान जी, राम सुरेश चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री हसीब खान साहब प्रदेश उपाध्यक्ष, बीरबल चौहान जी उपाध्यक्ष, महेश निषाद वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, सत्य कुमार चौहान जी, रामचंद चौहान जी और समाजवादी पार्टी के महेंद्र चौहान और दूसरे हमारे बड़ी संख्या में नेता जो मंच पर हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमें सभी पदाधिकारी नेता दिखाई दे रहे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बड़ी संख्या में यहां उपस्थित सभी किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने फैसला लेकर के और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का काम किया है। मैं देख सकता हूं बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां देख रहा हूं मैदान में मुझे जनवादी के एक एक कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहा है। जहां कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, वहीं उसके हाथ में उसका अपना झंडा भी है और ये झंडा लहर रहा है हवा के कारण। ये जो लहरता हुआ झंडा हम दिखाई दे रहा है मुझे, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। और जो आपने आज रैली के माध्यम से संकल्प लिया है कि भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ, जनवादी क्रांति महारैली जो हो रही है, मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूं, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना अन्याय, इतने दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी, इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को परेशानी और तकलीफ देने का काम किया है। आप लोग यहां से चल करके आए हैं, प्रदेश के दूसरे हिस्से से चल करके आए हैं, जो लोग चले होंगे कई 6 घंटे में पहुंचे होंगे, हो सकता है जो बस से चले उन्हें ज्यादा समय लगा हो, रात भर चल करके आए हैं, अपनी तकलीफ अपनी परेशानी का सामना करते हुए आए हैं। और ये पहली बार इतना जनक्रांति का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जिस मैदान में हम लोग यहां पर हैं, मैदान के बगल में हवाई अड्डा है। पहले यह सरकार का हवाई अड्डा होता था। जहां ये मैदान है और आते जाते हवाई जहाज आपने देखे होंगे, ये पीछे जो पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, लेकिन अब ये सरकार का हवाई अड्डा नहीं है, ये बिक गया है हवाई अड्डा।
जब हम और आप लोग बैठ करके यहां फैसला ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, वहीं दिल्ली के किनारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक शिलान्यास करने गए हैं। मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने अखबार में देखा कि उनके बैठने के लिए उनके पंडाल में 90,000 के आसपास कुछ कुर्सियां लगी हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, पूरी सरकार पहुंच रही, जहां पर पूरा पुलिस का प्रबंधन है वो लोग पहुंच रहे हैं, हो सकता है फौज के लोग भी बुला लिए हों, उनके लिए 90,000 से ज्यादा कुर्सी लगी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान के कार्यक्रम में आए लोग पूरी कुर्सी भरी दिखाई दे रही हैं। हम पूरी कुर्सियां भरी हैं, वो 90,000 से ज्यादा कुर्सी भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान और हमारी जनवादी पार्टी के लोग तो सरकार में नहीं है, कहीं इनका मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी सब कुर्सियां भर दी। ये भरोसा दिला रहा है कि जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया, सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे में, 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में है, जो एयरलाइंस चल रही है सब घाटे में है। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? कोई समझ में आए तो समझाए हमें कि आखिरकार क्या गणित है इसमें। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा इसलिए, कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगें, सरकारी संस्थाएं बिकने लगें, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था,
अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा, उन्हें रोजगार कौन देगा। अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो कौन देगा आरक्षण, कहां मिलेगी नौकरी, कहां मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं कि ये दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। बताए दमदार सरकार हमारे किसानों के लिए क्या कर रही है, बताओ हमारे किसान भाइयों, यहां आए हो आप लोग, अपने संसाधन से आए, किसानों को कौन सी मदद सरकार कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप तो गांव के रहने वाले हो, खेत में मेहनत करते हो, पसीना बहा करके फसल तैयार की, बताओ धान की किसी को कीमत मिली है कि नहीं मिली, बताइए। धान धान खड़ा खड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसान भाइयों बताओ कहां धान की कीमत मिल रही, और जो खाद खरीदने गए बताओ लाइन में लगे रहे आप, क्या आपको खाद मिल गई, डीएपी मिल गई क्या। जब बीज महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, बाजार में कोई पूछ नहीं रहा आपकी फसल को, तो किसान हमारा कहां से खुशहाल होगा। कोई रास्ता हो तो बताओ कैसे खुशहाल होगा। और जो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया आपको कीमत पता होगी, क्या 100 के पार हो गया पेट्रोल के, नहीं हो गया सबको। और जिस समय महंगाई डीजल पेट्रोल की बढ़ती है, हर चीज महंगी हो जाती है, आप महंगाई को रोक नहीं सकते। कोई महंगाई रोक सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं वो कभी भी महंगाई नहीं रोक सकते। और आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। हमारे गरीब को पीछे कर दिया, नौजवान क्या भविष्य कुछ नहीं। बताओ नौजवानों कहां नौकरी है आपके लिए, अगर नौकरी हो तो बताओ। और इधर पढ़ाई पूरी चौपट हो गई, बच्चों की भी पढ़ाई बर्बाद हो गई। इतनी पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। कोई नहीं पढ़ पा रहा है, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे, और अगर शिक्षित भी हो जाए नौजवान तो ना उसके लिए नौकरी है ना रोजगार का इंतजाम है। कहने को तो दावा कर सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा नई आबादी यहां है, लेकिन इस आबादी को नौकरी कहां मिल रही है। हमारा किसान देख रहा है कि कैसे खुशहाली तरक्की आएगी। गन्ने के किसानों का बकाया है अभी तक, गन्ने का किसान का बकाया अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा, कौन कम करेगा। अगर कोई कम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा, 2022 का चुनाव आ गया है, सब पार्टियां निकल पड़ी हैं प्रचार के लिए। और इस समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है सबको साथ लाने का, एक एक दल को जोड़ने का, उसी कड़ी में हमने आप लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। हम आपको जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है जिस समय पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया था,
और उस समय कार्यक्रम कर करके बनारस और मऊ में भी कार्यक्रम हुए थे। उसके बाद आप प्रदेश भर में आपके नेता घूमे हैं, डॉक्टर संजय सिंह चौहान गांव जगह जगह गए आपके बीच में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग आपको कदम से कदम पर मदद करने का काम करेंगे, आपके साथ सहयोग देकर के आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। यही लड़ाई तो हम लड़ना चाहते हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ा है। ओमकार राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए, और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। हम लोग रंग जोड़ रहे हैं, ये रंगों को जोड़ करके विकास करेंगे। जब अलग अलग रंग जुड़ते हैं तभी अच्छा गुलदस्ता बनता है। ये एक रंग वाले एक रंगी वाले लोग कोई खुशहाली नहीं ला सकते, एक रंग वाले लोग कोई जीवन में किसी के खुशहाली नहीं ला सकते। और फिर बाबा मुख्यमंत्री तो कोई खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अभी भी अपने शिलान्यास किए हुए काम का उद्घाटन नहीं कर पाए, अपना किया हुए काम का भी उद्घाटन नहीं कर पाए। कोई बड़े काम का उद्घाटन किया हो तो बताओ हमें। जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, उत्तर प्रदेश पीछे कर दिया। और ये हारने वाले लोग ही दूसरों का नाम लेते हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं। हारने वाले ही लोग दूसरों का नाम लेते हैं, ये हारने जा रहे लोग हैं और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो, आपके यहां कोई बड़ा काम कर दिया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना, और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं, और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। जिन्होंने नाम बदले वही बदलने जा रहे हैं, और जब नया मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका भी नया नाम होगा, पुराना नाम नहीं होगा। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चल करके आए होंगे, बलिया हो, गाजीपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ वाले लोग एक्सप्रेसवे से चल करके आए होंगे। ये एक्सप्रेसवे आपके लिए बना है, इसके किनारे मंडियां बननी थी, ये मंडी नहीं बनाए हैं अभी। और मंडियां इसलिए बनाना चाहती थी समाजवादी सरकार कि आपके खेत में जो पैदा होगा उसकी कीमत कहां मिलेगी, उसकी कीमत मंडी में मिलेगी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, देना चाहते हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी मंडियों को बेहतर करेंगे और कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम लेंगे कि किसान की लूट नहीं हो, जो पैदावार हो उसकी सही कीमत मिल जाए। अभी तो तीन कानून वापस लिए इन्होंने, तीन कानून इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि इस बार किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, किसान उनका जवाब दे देंगे वोट से, इसीलिए तीनों कानून वापस हो गए हैं। अभी तीन ही कानून वापस हुए हैं, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है जिससे हमारे किसानों को उनकी एमएसपी मिल जाए,
और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे गरीबों किसानों के लिए और उन किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। इसलिए जब लखनऊ चल करके आए हो, चुनाव से पहले आप लोग चल करके आए हो, तो ये फैसला लेकर के जाना कि लखनऊ में आपकी सरकार हो। बताओ साइकिल वालों की सरकार बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? और हम भी भरोसा दिलाते हैं आपको कि जहां जाति जनगणना की बात है कम से कम हम लोग जाने तो सही कि हम आबादी में क्या हैं, हमारी आबादी में गिनती क्या है। ये जितनी भी सरकारें हैं कोई जाति गणना नहीं करवाना चाहते। लोग की सरकार बनेगी जाति जनगणना करके आपको भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली पे ले जाने के लिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहते हैं। इसलिए 22 के चुनाव में यह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और आप लोग मन बना लोगे अगर तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी ने कभी देखी नहीं होगी। जितनी चौहान समाज के लोग अगर आगे आ जाएंगे तो उन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत और भी सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिसमें समाज को देश को भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दिया है। इनके पास नफरत के अलावा कोई और चीज नहीं है, नफरत के अलावा कोई राजनीति नहीं करते ये। इसलिए आज जब आप लोग यहां पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, यहां की तहजीब गंगा जमुनी रही है, यहां भाईचारा रहा है, यहां सब मिलकर के रहे हैं, यही हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति को कोई खत्म करना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस चुनाव में आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग एक होकर के और सभी वर्गों को जोड़ करके आप समाजवादी पार्टी की तो मदद करना ही करना, वहीं सभी लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उन लोगों को भी जोड़ लीजिए। क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो सपना डॉक्टर रामलाल लोहिया ने देखा था वो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। हम आजादी तो मिल गई, आजाद तो सब हो गए हम सब लोग, लेकिन जो सपना देखा था खुशहाली का, जो सपना देखा था एकता का, वो अभी सपना अधूरा है। इसलिए इस रैली के माध्यम से आप जहां संदेश दे रहे हैं वहीं संकल्प लेकर के भी जाइए कि चुनाव में इन भारतीय जनता पार्टी को हटा करके एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देते हैं। उनके साथी जो आए हैं दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूं। मंच पे बैठे हुए जितने नेता कार्यकर्ता जिन्होंने सहयोग करके मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जनता के बीच में ही हैं, जिन्होंने बड़े संख्या में समर्थन और सहयोग किया है, उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि जिस समय उत्तर प्रदेश में बदलाव की लड़ाई होगी, जिस समय चुनाव होगा, उस समय आप लोग सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेरोजगारी दी है, महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, और जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था उन्हें हक और सम्मान देने का काम नहीं किया है। हमारे चौहान समाज के लोग पीछे छूट गए, जिनका इतिहास न जाने कैसा इतिहास रहा, जिस समाज से सम्राट पृथ्वीराज चौहान निकले हो उस समाज को पीछे छोड़ दिया हो, वो समाज की कोई गिनती ना हो। इसलिए जहां आपका खोया हुआ सम्मान है, जो खोया हुआ गौरव है,
उसको दिलाने का काम हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े होकर के आपका हक भागीदारी और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जनवादी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लखनऊ में पहला कार्यक्रम किया है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये यादगार कार्यक्रम साबित होगा। और यादगार कार्यक्रम इसलिए साबित होगा क्योंकि आने वाले समय में सरकार का बदलाव होगा और नई सरकार बनेगी जो आपको सम्मान देने का काम करेगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी लोग जहां जहां आपके वाहन खड़े हैं उन वाहनों तक सावधानी पूर्वक जा करके अपने घरों को सकुशल लौट। राग की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की, राजनीति की सदैव राज्य के विकास की। जुल्म का मिटे अंधेरा, ज्योति हो प्रकाश की, जीत सबकी हो किसी भी आम की ना खास की। जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की, राह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की। विकास की ना हो किसी विवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद।